ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। पावर कर रहे थे, पावर का सिलसिला जो जारी था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पावर एक्चुअल और पावर रेटिंग में अंतर होता है कि नहीं होता? होता है, हो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी सकती है, हो हो सकती सकती है, है। डिपेंडिंग ऑन दी कि अगर उसकी पावर रेटिंग मतलब जो उसकी रेटिंग है उसमें अगर वोल्टेज 200 है और उसको अप्लाई भी उसको उस पे उसको जो सप्लाई है वो भी 200 दे रखी है तो इट विल कंज्यूम दी सेम रेटेड पावर। हाँ के ना, लेकिन अगर कम लगाएंगे तो कम कंज्यूम करेगा, कम तो मतलब ब्राइटनेस हो कम जाएगा। देगा, बल्ब अगर लगाए तो ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और अगर ज्यादा इसके लगाएं तो तो फ्यूज हो जाएगा। उड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो हमने कल एग्जांपल की थी, आज मैं तुम लोगों को ये बताना था, कल बताया बोला था कि एक तुम लोगों को एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा टोटल पावर कंजम्पशन का, राइट? तो हमने दो बल्ब कल अलग अलग रेटिंग के सीरीज में लगाए थे और इसमें एक बात नोट करने वाली ये थी कि जो दोनों की रेटिंग वोल्टेज है वो कितनी है? 200 200 नहीं, 100 और 200 नहीं, वोल्टेज वोल्टेज रेटिंग वोल्टेज पावर नहीं, सेम रेटिंग वोल्टेज दोनों की 200 200 है और जो बैटरी के साथ लगाया हमने, जिस पावर सप्लाई के साथ लगाया उसकी भी कितनी है? 200 ही है। 200। ठीक है, तो अगर अगर हम एक से ज्यादा बल्ब्स या एक से ज्यादा अप्लायंसेस हम सीरीज में लगाते हैं जिनकी पावर है P1 P2 P3, पावर कौन सी? रेटिंग पावर P1 P2 P3, राइट? तो हम टोटल पावर जो कंजम्पशन है वो निकाल सकते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, 1/P = ये कंजम्पशन वाला है, 1/P = 1/P1 + 1/P2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको प्रूव कर लेते हैं अभी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, हेडिंग बनाएंगे इसमें, ये स्टार पॉइंट लिख लो, इफ टू और मोर बल्ब्स, बल्ब लिखे मतलब अप्लायंसेज है ना, ठीक है, कुछ भी ऑफ नहीं, ऑफ जरूर नहीं है, इफ टू और मोर बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद दी पावर सप्लाई वी सच दैट दी रेटिंग्स ऑफ दी बल्ब्स आर क्या P1V, ये प्रेशर और वॉल्यूम नहीं है, P1V बल्ब वन का, बल्ब टू का है P2V, बल्ब थ्री का है P3V एंड सो ऑन। ये जो हमने लिखा है ये क्या है, रेटिंग है कंजम्पशन है? रेटिंग दीज आर रेटिंग पावर रेटिंग्स, पावर एंड वोल्टेज रेटिंग्स, देन दी टोटल एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड बाय ऑल दी बल्ब्स इज गिवन एज 1/P कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 1/P1 + 1/P2 + 1/P3 एंड सो ऑन। जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो कौन सा पावर है? पावर टोटल कंज्यूम्ड है, पावर टोटल कंज्यूम्ड है, और जो राइट में मैं P1 P2 P3 लिख रहा हूँ वो कौन सी पावर्स हैं? इंडिविजुअल रेटिंग्स हैं, राइट, इंडिविजुअल। दीज आर कंज्यूम्ड, क्योंकि हमने इंडिविजुअली तो कंजम्पशन नहीं निकाली, अपने को क्वेश्चन में सिर्फ टोटल पावर कंजम्पशन पूछा है, ये तब फायदा है लगाने का।
अगर हर एक की पावर कंजम्पशन अलग अलग से पूछ रखी है तो फिर तो निकालनी पड़ेगी, हाँ के ना, पी वन कंज्यूम, पी टू कंज्यूम, पी थ्री कंज्यूम, निकालनी पड़ेगी नहीं निकालनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। अगर वो निकाल ली तो फिर इस फॉर्मूले का फायदा है कोई? नहीं सर। नहीं, फिर तो जो पावर कंज्यूम्ड हर एक की निकाली है उनको सिंपली क्या कर देंगे? ऐड करेंगे, उनको तो ऐड कर देंगे, तो टोटल पावर कंजम्पशन आ जाएगी। हाँ के ना, क्या ये बात समझ? यस सर। ये तब फायदा है जब टोटल पावर पूछी, इंडिविजुअल पावर नहीं पूछी। इसको ड्राइव कर लें, छोटा सा ही है वैसे तो। देखो हमें पता है ना पी टोटल, हाँ जी बोलो। ये जो पी वन पी टू पी थ्री है, वो जो पिछले क्वेश्चन में हमें दोनों बल्ब्स की 100 वोल्ट और 200 वोल्ट पाल दी हुई थी, वो वैल्यूज आएंगी ना यहाँ पे? बिल्कुल जी, वही आएंगी। और जब हम विदाउट ये वाले फॉर्मूला यूज के निकालते हैं तो जो हम पावर आई स्क्वायर आर फॉर्मूला लगा के निकालते हैं वो ऐड होंगी। जब हम विदाउट दिस फॉर्मूला आई स्क्वायर आर करके निकालेंगे, जैसे हम ये वाली निकाल ली है, हाँ जी सर, हाँ जी, तब हमारी इंडिविजुअल पावर कंजम्पशन आ जाएंगी। जो जो फॉर्मूला है उसमें हम ये 400/9 और 200/9 वोल्ट नहीं डाल सकते? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। Okay, वो फॉर्मूला नहीं, ये तो पावर कंजम्पशन है। जो टोटल पावर कंज्यूम्ड है, जो टोटल पावर कंज्यूम्ड है, ठीक है, अगर वो निकालनी है हमें, अगर ये फॉर्मूला लगाना है तो हमें रेटिंग्स वाली डालनी है। साथ में दूसरा भी लिखवा देता तुम लोगों को, इफ वी आर यूजिंग एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड बाय each bulb, then जिया, power total consumed कितनी होगी? Sir, जो हर एक power consumed आएगी, P1 consumed plus P2 consumption plus P3 consumption and so on, हाँ के ना? Yes sir। तो ये तो लगना ही लगना है, चाहे series हो parallel, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर कंजम्पशन विल ऑलवेज बी द सम ऑफ इंडिविजुअल पावर कंजम्पशन। ये तो सिंपल मैथ है, सिंपल लॉजिक है। मेरे पास चार बल्ब जल रहे हैं तो हर एक की अपनी अपनी कुछ पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो टोटल पावर तो सिंपली ऐड करेंगे उनको, हाँ के ना? Yes, yes, sir. Okay. लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है वो सीरीज के लिए, इधर चाहे सीरीज को तुम लोग डब्बे में डाल लो, ये हम सीरीज के लिए कर रहे हैं इधर फिलहाल, जो ये फॉर्मूला लिखा है दिस इज फॉर सीरीज। है ना, जैसे अब कल एग्जांपल की थी हमने, राइट, इनमें दो पावर कंजम्पशन नहीं, सॉरी, पावर रेटिंग क्या थी, 100 और 200? यस सर, यस सर। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे पावर कंज्यूम्ड वाला, टोटल पावर कंजम्पशन वाला, तो क्या लगेगा? पी पावर कंज्यूम्ड टोटल विल बी क्या? पी वन पी टू अपॉन पी वन प्लस पी टू, यस सर, क्योंकि 1/2 वाला है ना, वो मैंने सीधा लगा दिया था। क्या हो जाएगा ये 100 × 200, मतलब 200 × 100 / 300 कोई आ गया 200/3। यस सर, ये भी 200/3 ही है। यस, तो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी काम आ जाता है अगर टोटल पावर कंजम्पशन पूछी है और सीरीज में लगा रखी है, ठीक है? अच्छा, अब इसको अगर प्रूफ करना है तो वी कैन प्रूव इट वेरी इजीली। पावर टोटल जो कंज्यूम्ड है वो क्या होगी? कैन आई से दैट इट इज वी स्क्वायर बाय आर टोटल? Yes. B कौन सा? इधर सप्लाई वाला है ना, तो मैंने क्या किया, सारे बल्ब को इकट्ठा कर लिया, एक बल्ब हो गया और एक पावर सप्लाई लगा रखी है, तो टोटल पावर कंजम्पशन विल बी व्हाट? V स्क्वायर बाय R टोटल, हाँ के ना? Yes, sir. अबे चमक रहा है कि नहीं चमक रहा सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो और सीरीज में क्या होता है R टोटल?
सम सब आर वन प्लस आर टू राइट यही होता है यस और इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर आर वन जो है हम रेटिंग कैसे निकालते थे याद है बी स्क्वायर बाय पी वन और आर टू था बी स्क्वायर बाय पी टू रिमेम्बर यस तो क्या आएगा वन अपॉन वन बाय पी वन ये बी स्क्वायर तो कटेगा प्लस वन बाय पी टू तो सारा इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं देयरफॉर वन बाय पी टोटल कंजम्पशन विल बी वन बाय पी वन प्लस वन बाय पी टू यही ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था उसी को ड्राइव कर लिया कोई दुख तकलीफ नो सर ठीक है हर एक के दिमाग में घुस गई चीज बाउंसर नो बॉल वाइड बॉल किसी के नो सर सर अगर बैटरी की पोटेंशियल और रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट फिर तो अपने को जैसे हमने कल इंडिविजुअल निकाला था वो मेथड यूज करो और फिर उनको सबको सम कर दो ओके दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन सच दैट पावर रेटिंग्स इसमें वी 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 लिया हमने और ये भी वी के साथ कनेक्टेड है okay, वो हमें प्रूफ में दिख रहा है ये वी तभी उड़ेगा हाँ कि ना yes, नहीं तो अलग अलग वोल्टेज रेटिंग है तो फिर तू कटेगा ही नहीं है yes. ठीक है एक और स्टार पॉइंट है इसमें जो हमने कल ये एग्जांपल ली थी तुम लोगों ने शायद कल इसको ना ऑब्जर्व ही नहीं किया दो बल्ब लगाए मैंने एक 100 वाट का एक 200 वाट का मैंने बाजार से दो बल्ब लेके आता हूँ 100 वाट का और 200 वाट का कौन से ज्यादा चमकता है कौन से ज्यादा ब्राइट होता है 200 पावर मिल रही है 200 वाला होगा ऑब्वियसली हाँ के ना अरे 200 वाला ज्यादा चमकेगा 100 वाला ज्यादा चमकेगा 200 वाला ज्यादा चमकेगा क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है हाँ के ना अरे पावर क्या होती है आई स्क्वायर आर है ना तो वो हीट एनर्जी है एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी फेंक रहा है वो 200 फेंक रहा है वो 100 फेंक रहा है ना तो इसलिए वो ज्यादा चमक रहा है वो ज्यादा ब्राइट है लेकिन पावर कंजम्पशन देखते हैं वन वाला कौन सा था 100 वाला यस सर 200 वाला कौन सा था नहीं टू वाला कौन सा था 200 वाला ना वन वाले की एक्चुअल पावर कंजम्पशन कितनी आई 400/9 और टू वाले की कितनी आई ये कौन सा वाला था ये 100 वाट वाला था एक्चुअली ये कौन सा था 200 वाट वाला तो 100 वाट वाला एक्चुअली में 200 वाट वाले से ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है दिख रहा है यस यस तो अगर मैं ये दोनों बल्ब्स जो सीरीज में लगाता हूं तो कौन ज्यादा चमक रहा है ज्यादा वोल्टेज वाला कम वोल्टेज वाला कम वोल्टेज वाला यस कम वोल्टेज वाला ज्यादा चमक रहा है वो ज्यादा ग्लो करेगा सीरीज में उल्टा हो जाता है सीरीज में क्या हो जाता है कम वोल्टेज वाला कम रेटिंग वाला ज्यादा पावर कंज्यूम एक्चुअल पावर कंजम्पशन वो ज्यादा करता है जिसकी वजह से वो ज्यादा ब्राइट हो जाता है ठीक है तो अगर बाजार से तुम लोग जो 40 वॉट का और 60 वॉट का बल्ब अगर लेके आते हो उसको सीरीज सर्किट में लगा देते हो तो कौन सा ज्यादा चमकेगा 40 वाला 60 वाला 40 राइट right. और अगर हम नॉर्मली घर में जो सर्किट होता है उसमें अगर हम लगाते तो ऑब्वियसली कौन ज्यादा चमकता है 60 वाला ज्यादा ब्राइट होता है राइट right? क्योंकि वो पैरेलल सर्किटरी होती है पैरेलल में जैसा लिखा है वैसा चलेगा लेकिन सीरीज में क्या होता है उल्टा हो जाता है राइट द रीजन बिहाइंड दिस इज आई तो दोनों में सेम गया अरे हाँ के ना सीरीज में आई दोनों में सेम गया कि नहीं गया yes, तो डिपेंडेंसी किस पे आई R पे और R जो है वो क्या होता है V square by P. P. V तो दोनों का सेम है वोल्टेज रेटिंग दोनों की सेम है लेकिन पावर रेटिंग जिसकी कम उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी एक्चुअल पावर कंजम्पशन भी ज्यादा लॉजिक मैच सब जस्टिफाई हो रही चीजें चमक रहा है चलो इस चीज को लिख लेते हैं अब हम सर हाँ जी सर ये इस पे नहीं डिपेंड करेगा मतलब जैसे
आपने जो 40 वाला है वो आगे लगा दिया और जो 60 वाला है वो पीछे लगा दिया। अरे नहीं, उस पे नहीं डिपेंड करता, ये R1 इधर लगी है या R2 इधर लगी है, दोनों कोई फर्क नहीं इनमें। सर जैसे बैटरी लगाई है, अरे ऐसे तो वो पॉजिटिव, क्या क्या बोलो बोलो बोलो। सर जैसे आपने बैटरी लगा दी है ना नीचे, तो फिर जो पॉजिटिव वाला है वो वाला करंट फेंकेगा और R1 के पास पहले चला जाएगा, तो फिर वो उसकी रेजिस्टेंस जाने नहीं देगी, मतलब आगे करंट। सही है, फनी है क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सुनो, यहाँ पे है 4 ओम, मान लो एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 ओम, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, करंट बताओ कंचन कितना होगा। करंट बताओ कितना होगा। 1 एम्पियर। अरे कंचन, इसको कैलकुलेट करने में घंटे लगाओगे क्या? 10/10 1, ठीक है? यस, बता दिया। हाँ, तो इधर 1 एम्पियर जा रहा है ना, तो 4 एम्पियर ना, सॉरी, ये अपना 4 ओम वाला कितनी वोल्टेज खपत करेगा? सर अरे किधर चली जाती है ये 4, और ये वाला कितनी करेगा? 6, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बैटरी को उल्टा कर देता हूँ, इसकी जगह ऐसे लगा देते हैं, मतलब पहले 6 वाला आ गया अब तुम्हारे हिसाब से, है ना? तो इधर जा रहा है करंट, करंट अब कितना होगा करंट सर्किट में कंचन? अरे अनम्यूट करो, चैट जोड़ पे नहीं चलना, काम पूछना है तो अनम्यूट करो। Yes, sir. अब करंट कितना होगा? The same. सेम ही होगा, पक्की गल है? बैटरी पुट्टी करती, उल्टी कर दी। तो बेचारी को आप वही काम कर रहे थे मेरे साथ करते है ना? तो अब इसमें खपत कितनी होगी? अभी भी 6 वोल्ट होगी और इसमें अभी भी 4 वोल्ट होगी, हाँ कि ना? Yes. So that doesn't make a difference, कौन सा resistance पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है। ठीक है, ठीक है। चलो मैं क्या लिखवा रहा था तुम लोगों को क्या बात कर रहे थे हम? अच्छा हाँ, कौन सा ज्यादा चमकेगा? If two bulbs are connected in series, then me having ratings B1 is equal to P1 V, B2 is equal to P2V. Then, if ये रेटिंग है, जो लिखा है वो रेटिंग है, अगर पावर रेटिंग P1 ज्यादा है P2 से, then कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा? B2. Right. Then P2 consumed will be greater than P1 consumed. Therefore, 2 will glow brighter. ठीक है, दो वाला ज्यादा ब्राइट होगा, उसकी रेटिंग कम होने की, कम होने के बावजूद भी, बिकॉज इसका रीजन लिख लेते हैं, जो अपना पावर कंजम्पशन है उसका फॉर्मूला होता है I²R. I इज सेम इन बोथ बल्ब्स, देयरफॉर पावर कंजम्पशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. ऑल्सो R जो है दैट इज V² / P रेटिंग, therefore power consumption
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटिंग. सर हाँ जी, अगर बल्ब 1 की 100 वाट वो है पावर रेटिंग और बल्ब 2 की 200 और बल्ब 100 वाट से ज्यादा तो कंज्यूम कर भी नहीं सकता ना, तो मतलब कि बल्ब 2 की रेटिंग 200 बट वो कंज्यूम 100 से भी कम कर रहा है. यस यस, दिस एक्चुअली हैपेंस. ये तो हमने एग्जांपल करके देख भी लिया, ऐसे ही होता है. 400/9 जो है वो कितना होगा, 44 समथिंग. यस तो फिर इतनी रेटिंग लिखते क्यों है? अरे पैरेलल में होता है ना घर पे, तो ये तो पुठे पंगे ले रखे हैं, सीरीज में लगा रखा उनको. ओके सर, सीरीज में थोड़ी लगाते हैं हम घर पे. हाँ कि ना. यस सर. हाँ जी, ये अभी वाले केस में अगर वोल्टेज रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती तो हम बिना देखे कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब बिना कैलकुलेट करे. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. ठीक, अब पैरेलल का केस करते हैं. ये तो निपटा सीरीज का केस. ठीक है, ये सब किसका था, सीरीज का. नाउ पैरेलल करेंगे. इफ टू और मोर बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल then ऊपर क्या लिखा था हमने, अच्छा with the power supply V वो लिख लेते हैं. with the power supply V such that the ratings of the bulbs are as below. B1 is P1V, B2 is P2V, B3 is P3B and so on. और ये सब कौन सी हैं? These are ratings. अब total power consumption बताओगे कितनी होगी? Any guesses? Sir, normal addition. Right. Normal addition. Right. Normal addition. क्योंकि parallel जैसे घरों में लगा होता है circuit, ठीक है? तो क्या होता है उसमें, अगर हम दो बल्ब जला के रखे हैं जिसकी एक की 40 वाट की रेटिंग है, दूसरी 60 वाट की रेटिंग है, तो बिल जो है वो 40 के अकॉर्डिंग आएगा, 60 के अकॉर्डिंग आएगा, 100 के अकॉर्डिंग आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा? 100 के अकॉर्डिंग आएगा. राइट, ऑब्वियसली. तो इसलिए 100 के अकॉर्डिंग आ रहा है, मतलब वी आर सिंपली व्हाट, वी आर सिंपली एडिंग इट, एडिंग. ठीक है जी. देन द टोटल पावर consumption will be P total consumption equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4 and so on. And isme अगर कम ज्यादा रेटिंग वाले कनेक्टेड हैं तो जैसे 40 और 60 है, तो कौन सा ज्यादा एक्चुअली में कंज्यूम कर रहा होगा, 40 वाला 60 वाला? 60 वाला ही करेगा ना, क्योंकि पैरेलल है सर्किटरी, इसलिए जो रेटिंग है उसको दे रखी है. लिख लेते हैं इसको भी, लॉजिक सिंपल है इसका तो, है ना, ये तो नॉर्मल लॉजिक है. इफ टू बल्ब्स
एमी वर्डिंग लिख लेते हैं, टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल such that ratings are V1 is, V2 is, then if P1 is greater than P2, your rating hai, then कौन सी कंजम्पशन ज्यादा होगी? P1. P1 consumed will be greater than P2 consumed consumption. चिपका लिए यहाँ तक? Yes, sir. इसको प्रूव हम सेम ऊपर वाले तरीके से ही कर सकते हैं, अगर करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज इट इज सेल्फ अंडरस्टूड. कराऊं या कर लोगे? कर लेंगे सर. ठीक है, बाकी कोई नहीं बोला, कर लेंगे सर. ठीक, सेम ही तरीका वही ऐसे जैसे हमने ऊपर किया था. प्रूफ, P टोटल V² / RT, वहां पे R टोटल डाल देना, आ जाएगा. करा दूं? अच्छा कर लो यार, लो. सर अभी ये वाली स्पेस हम कैसे इंसर्ट करें? अरे अपना इंसर्ट सा मत किया करो, ये हमारे पास नहीं है. अरे उससे नीचे लिख लो, क्या फर्क पड़ता है. सर आप भी लिखो फिर. हाँ सर, हम एक ऑर्डर में चलते हैं ना. जेलस हो जाती है हमें. जेलस ही होती है? ओह हाँ सर, मुझे तो बहुत आती है. जब आप रब कर देते हो पेन पेन वाला. हाँ सर, वो तो सबसे ज्यादा गुस्से वाला होता है. ओह माय गॉड, देखो आई हैव द पावर ऑफ वन नोट. You guys don't have it. सर होनी चाहिए हमारे पास भी. तुम shapes भी इतने जल्दी बना लेते हो, सीधी बन जाते हैं, मेरी टेढ़ी मेढ़ी shapes. हाँ सर, ये भी बहुत बड़ी jealousy का कारण है. तो same ही method use करेंगे यहाँ पे. P total consumption will be again. यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं V² / R total. Like हम बोल सकते हैं. बोल सकते. और R total R1 + R2 होगा इधर भी? नहीं नहीं, one by R2. parallel वाला. इधर होगा 1/, तो किधर गया? गिरा. P total consumption will be equal to V² / R total. That is V² / ये 1/R, मतलब this is 1/R है ना, 1/R total है. 1/R total को मैं लिख सकता हूँ 1/R1 + 1/R2 है ना. तो इसको अलग अलग कर देते हैं, V² / R1 + V² / R2. और V² / R1 क्या है? सर सर सर, हाँ जी, मल्टीप्लाई में क्या क्या हो गया? मल्टीप्लाई नहीं आया. मल्टीप्लाई कैसे लिख दिया? क्या कर दिया मैंने? डिवाइड रेजिस्टेंस. अरे यार तुम लोग भी ना. हम लोग सर, दिस इज V² × 1/R टोटल. हाँ अच्छा, ठीक तो है. अच्छा ठीक है ओके. ठीक है, हम लोग सर. मेरे को लगा कि आपसे ना ये गलती से लिखा गया और आप इरेज कर रहे हो, तो मैं कह रही थी कि सर गलती हम पे नाम लगा दो. देखो अब मैं इसको ऐसे करूंगा, इधर सिर्फ हम कैसे सर, आप क्यों हमें स्टेप हम ऐड नहीं करेंगे? तुम लोगों ने घुसवाया है ये स्टेप, जरूरी हम नहीं ऐड करेंगे सर, हमें समझ में आ गया. ठीक है चलो, जिनको नहीं आया वो लोग वो लोग ऐड कर लो इसको. 1/R एरो डाल दो. ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा? ये क्या चीज है?
दिस इज पी वन यस रेटिंग वाला है ना ये पी वन पी टू खत्म सिंपल तो मैथमेटिकली भी है और लॉजिकली हमें पता भी है कि ऐसे ही होता है यार टोटल पावर कंजम्पशन हम सिंपली सबको क्या कर देंगे ऐड ही तो करते हैं हाँ कि ना ठीक है कोई दुख तकलीफ इसमें ठीक चलो अब कुछ सवाल करेंगे इस पे इसमें लाइन लिख लो दैट इज बल्ब हैविंग हायर रेटिंग ऑल्सो कंज्यूम्स दी higher power actually और ऊपर वाले में उल्टा ये लाइन चिपकाओ पहले ऊपर वाले में उल्टा है सहज सर यही सर मैंने तेरा कमेंट अभी पढ़ा सहज कहता सर जेलसी बहुत ज्यादा हो रही है लोगों को यहाँ पर पेन नहीं खराब हो जाए ये मुझे लग रहा है पिछले साल ना तुम लोगों ने किया था मतलब पेन खराब इसी चक्कर में तुम्हें पता है सहज लास्ट ईयर ऐसी हुआ था टैब चलना ही बंद हो गया था तुम लोगों की क्लास में सर हमने इंटेंशनली नहीं किया होगा अरे हो जाता है ऐसे मजल जेलसी अंदर से निकलती हम खुद तो लेकिन यहां पे जब आप 15 मिनट क्लास एक्स्ट्रा लगाते थे तो देख देख ठीक है अब मैं एक बार और करता हूँ लो हाँ सर मुझे पता था अब ये लाइन आप लिखवाओगे हमें साइड में लिखनी पड़ेगी एसिमेट्रिकली कहीं पर ये आपकी गलत बात है कहाँ गया वो अरे ये रहा हाँ हाँ देखो मैं क्या करने वाला हूँ अभी हाँ सर यहीं से उठा के चिपका दोगे उधर यहाँ लिखूंगा इसको हाँ हम कैसे उठा के साइड में पाता है सॉरी अब आप हमें जानबूझ के जेलस कर अगर आपका वन खराब हो गया हम पे नाम नहीं आएगा हम पे नाम नहीं आएगा अगर वन नॉट खराब हो गया तो आपसे हो तो रानी कुछ तुम लोगों ने कराया पिछले साल पता है तुम लोग इस साल क्या हो रहा है तुम लोगों के फिर भी दिक्कत आ रही थी अभी तो खैर पता नहीं कैसे चल रहा है दोबारा मुझे लग रहा है जल्दी खराब होने वाला है लेकिन एस्पायर की क्लास में सही चल रहा है पिछले साल एक्सेल में सही चल रहा था पता है मतलब हमें ही खराब भी है हम खराब हैं एक्सेल की क्लास लेता था उसमें सही चलता था पिछले साल चलिए हमारे बैच की गलती है पूरे नहीं नहीं सर पेन की गलती है दैट इज द बल्ब हैविंग higher rating actually consumes lesser power and hence आपने लिखा नहीं the bulb having higher actually consume oh but I have the power क्या हम जानबूझ के कर रहे हो मैंने बताया क्यों यार सर कोई बात नहीं हमें समझ में आ जाएगा मैं तो नहीं कर रही कुछ सर हमारी तो पावर रेटिंग ही जीरो है पहले से जगह नहीं थी वहां पे हां सर इतनी मुश्किल से फंसा रही थी मैं उसको वहां पे अरे यार मेरे पास भी जगह नहीं है हायर पावर रेटिंग लिख झूठ कितना झूठ है सर ये आप खुद शिफ्ट कर दोगे अभी हां शिफ्ट शिफ्ट करके सर जगह बनाने जा रहे हो आप इधर चला मैं उधर चला हो रहा है यहां पे बिल्कुल The well having higher. मेरे तो नीचे दोनों पॉइंट्स की रेटिंग लिखने के लिए इतनी जगह नहीं चाहिए थी. Power rating. Power rating. Actually consumes lesser power and hence. Glows more. Glows lesser. Sorry, less. ठीक है.
ठीक है। अब नमन कहता है सर मैं तो सुनकर लिखता हूँ, बच गया, उसने तो लिख लिया था सुन के। मैंने बोला तो था हैवी हायर पावर रेटिंग। हाँ सर मैंने भी हैवी हायर पावर रेटिंग। चलो चिपकाली इधर उधर जैसे भी। थोड़ा गंदा लग रहा है ये पेज। तुम एक काम करना यहाँ पे ना पेज फाड़ के दोबारा चिपका देना। रहने दो सर बस अच्छा लग रहा है। चलो अब सवाल करेंगे। सर वैसे ना इस बारी जो हम नोट्स भेज रहे हैं ना अगर कॉपी गुम भी हो जाए ना सारे नोट्स के तो पीडीएफ बने पड़े हैं, हर रोज बना बना के भेजो उनको। सर मैं तो डिलीट कर देती हूँ, मैं फोटोज ही खींचती हूँ, बहुत मुश्किल है रोज पीडीएफ बनाना। मैं मतलब भेज तो पिक्स और मैं तो रोज ही भूल जाती हूँ सर। रात को 11:30-11 बजे याद आता है कि सबमिट करना। रात को मेरे को 11:55 पे याद आया, मैंने कहा चल बनाना शुरू करती हूँ। फिजिक्स के कल परसों सबमिट करने उनकी फोन आ जाती है। बाहर टैब्स पे बच्चे अपने नोट्स बनाते हैं ना, हमारा भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कोई। बना लो, तुम लोगों को किसने बना दिया? फिर पढ़ा नहीं जाता ना उसमें से। हाँ, फिर वो तो है ना, तुम लोगों को मतलब उसमें तो परमिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लॉजिक भी नहीं बनता यहाँ पर ये सब करने का इंडिया में तो। हाँ सही बात है सीरियसली। खेलना सही लगता है ना वो टैब के साथ, लिखे जो टैब पे बैठ के। हाँ और फिर उनके पास भी वो पावर होगी। हाँ यस सर, फिर हमारे पास भी इंसर्टिंग की होगी। सर आप हम सबको टैब गिफ्ट कर दो, हम जाले इस्तेमाल करेंगे। अच्छी बात है ना, 100 लोग हो तुम लोग, हर एक की 40,000-50,000 की टैब है और 50,000 × 50 लाख रुपए लगवा दो तुम लोग मिले। तो सर आपको आईक्वेस्ट से नहीं मिलेगी। आईक्वेस्ट मेरे को 50 लाख रुपए देंगे हैं? रिकॉर्डिंग बंद करें तेरा। वो कहेंगे सर आप पढ़ाओ ही मत। कहेंगे सर हम ना किसी और को ढूंढ लेते हैं, आप तो टैब बांटने में लगे बच्चों को। अरे तुम लोग को मिली होंगी टैब्स? नहीं हमें नहीं मिली। क्यों पहले चले पे नाम छेड़ दिया? पहले मिलती थी या नहीं? नहीं हमें तो सर टी-शर्ट भी नहीं मिली अभी तक। मजे ले रहा था तुम लोग। तुम मेरे को तो लगता है टी-शर्ट पहनी भी जाएगी इस साल क्योंकि गर्मियां तो मेरे को लगता है फिर इन्होंने कोरोना में निकाल देनी है, फिर उसमें तो जैकेट से डल जाती है अगर वो भी टी-शर्ट छुपी जाती है। टैब तो हमें देनी चाहिए आईक्वेस्ट को, आई मीन हमें दे पढ़ाने के लिए। नहीं सारे टीचर्स आईपैड लेके बैठे हैं, अब कौन से टैब चाहिए? मैं नहीं आईपैड लेके बैठा। मेरे को ये कहो कि सर आपको आईपैड देना चाहिए। हाँ मुझे देना चाहिए। अरे रिकॉर्डिंग कोई बात नहीं, आई क्वेश्चन सुन लेगा मेरे को, शायद दे देगा पैड आईपैड। चलने दो रिकॉर्डिंग।
करंट ज्यादा नहीं कुशल गर्ग मिलन, तुम्हारा जो जवाब है नहीं, पहला ठीक है, दूसरा थोड़ा बहुत ठीक है, तीसरा गलत है। कुशल गर्ग तुम्हारा पहला और जो थर्ड है वो ठीक है, या सिर्फ ऑन करेक्ट, जागृति 1-2 करेक्ट, कुशल गर्ग नहीं, दूसरा गलत है अभी भी। प्रभनूर वन एंड थ्री आर करेक्ट, निष्ठा 1 and 3 आर करेक्ट, नितिश 1-2-3 करेक्ट, हर्षिया 1-2-3 करेक्ट, मिलन नाइरे 1-2 करेक्ट, मुस्कान 1-2-3 करेक्ट, जागृति सी करेक्ट, गुरकर्मन 1-2-3 करेक्ट, जिया, अरे जिया क्या किया ये, रेजिस्टेंस तो कम से कम सही निकाल देती। सर पता नहीं क्या हो रहा है, तो डिवाइड मतलब डिवाइड गलत कर रही है। मेरे को भी कई चैप्टर में होता है ना कि पूरी अच्छे से समझ आती है, क्वेश्चन आओ तो कुछ नहीं होने लगता। डिवाइड मतलब इसने क्यों भी इसके बाद नहीं मल्टीप्लाई, मतलब 22 का स्क्वायर कितना होता है जिया, 464 484 4 4 4 4 4 मुझे 22 और 21 का ही याद रहता है मोस्टली, मुझे 21 का याद है, 24 का भी याद है, वो 100 प्लस कर दो बस। सर अब बता दो आंसर, एक मिनट, किधर तक बताया था मैंने, दिया तक बताया था। क्रिश्चियन 1-3 करेक्ट, दीप्ति 1-2-3 करेक्ट, अग्रवाल 1-2, अबे डिवाइड कर ले लास्ट वाले को, नहीं वैसे तो तेरा कठिन था वो, देखो कट रहा है। प्रबल 1-2-3 करेक्ट, मिलन लास्ट हाँ करेक्ट है, गौरी 1-2-3 करेक्ट, कुशिता 1-2-3 करेक्ट, जोरावर 1-2-3 करेक्ट, वंजिका 1-2 करेक्ट, तरुण 1-2-3 करेक्ट, खुशबीर 1-2 करेक्ट, सिमरन 1 करेक्ट। अरे सिमरन क्या गड़बड़ कर दी, यास्तिका 1-2-3 करेक्ट, अभिषेक कॉल करेक्ट, अन्नाहिद 1-3 करेक्ट, पवन 1 करेक्ट। ओके लेट्स सी, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट सबसे आसान पार्ट, बाकी लोग अभी आंसर मिलाएंगे। ए पार्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, सिंपली वी स्क्वायर बाय पी, पी कौन सी वाली यूज करके, रेटिंग, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 220 का स्क्वायर, जो कि जिया के अकॉर्डिंग कितना होता है 464। तो उसके बाद सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन, करंट थ्रू द फिलामेंट, करंट के लिए क्या करेंगे, पावर समझ के, हाँ पावर है वो 100। सर यहाँ पर हम वी जो है वो जो रेटिंग वाला है वो ही लेंगे, ये जो अपने वाला थोड़ी ना जो बैटरी वाला होता है, तो बैटरी हाँ, वाला कहाँ दिया बैटरी, यहाँ पे अगर नहीं दिया तो भी, जहाँ पे भी जिस क्वेश्चन में भी अगर आपको बैटरी वाला नहीं दिया तो हमें ये अज्यूम करना है कि रेटिंग जितनी ही बैटरी
लगा रखी है, लगा रखी है, ठीक है, मतलब रेटिंग जो है उसी पे ही उसको सप्लाई दे रखी है। तो यहाँ पे V हमें अज्यूम करना है कि 220 होगा डिवाइडेड बाय R, क्या होगा जिया के अकॉर्डिंग 100, लेकिन 100 नहीं है, नहीं है। तो ये है, फिर से मैंने भी यही गलती कर दी। तो ये गलती कर रहे हैं, इसके पहले भी वो 464 वाली गलती हुई थी ना। This will be approximately 0.45, ठीक है। C part, if the bulb is made to operate at 110 volt power supply, then find the power consumption. जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था ना कल, रेशियो, रेशियो से है ना, हाँ, गुड गुड, इसको रेशियो से ही कर लेंगे। पावर जो है कंजम्पशन जो होती है वो होती है वी स्क्वायर बाय आर। रेजिस्टेंस जो है वो बल्ब की बदलने वाली नहीं है, नहीं है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं पावर मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। जो पावर लगाएंगे ना, जो वी लगाएंगे उसके हिसाब से पावर कंजम्पशन होगी। देयरफॉर हम बोल सकते हैं पावर अपना 110 पे डिवाइडेड बाय पावर 220 पे इज इक्वल टू 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 220 का स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी? तो पावर 110 अपॉन पावर 220 पे कितनी थी? 100 watts equal to 1 by 2 ka square, that comes out to be 25 watt. The second thik tha dekha maine, second thik tha. Acha, chalo tum kya, haan ji bolo. Mera method, maine pata kya kiya hai, रेजिस्टेंस निकाली दोबारा से, मतलब वी स्क्वायर बाय पी फार्मूला लगा के 220 इनटू 220 अपॉन 110 यस सर, ले हद होगी यार, रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज होती होती है जी। हां, रेजिस्टेंस क्या बोला था मैंने कल, हमेशा कैसे निकालनी है वी स्क्वायर बाय पी लगा के रेटिंग से? यस सर। हां, रेजिस्टेंस तो फिक्स एक वैल्यू है ना, फिलामेंट जो लग गया लग गया, उसकी रेजिस्टेंस कम ज्यादा थोड़ी हो सकती है। बल्ब जो बन गया बन गया, यस, हाँ के ना, तो बस फिर आई ऐसे निकल जाता 110 बाय 484 करके, हाँ, जो होगा ही ना। देखो V के अकॉर्डिंग हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तुमने क्या झोल किया, R को बदल दिया, यस सर, लेकिन R नहीं बदलता, V बदलेगा तो R नहीं बदलेगा, V बदलेगा तो आई बदलेगा, समझी? यस सर, आर विल रिमेन सेम। चलो अगला सवाल करेंगे। तो ये टॉपिक कंफ्यूजिंग है, मैं ही ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूं। तुम ही ज्यादा लग रहा है मेरे को कंफ्यूज हो रही हूं। चिट्टे वाले बिल्कुल की क्या बोली थी कंचन? कुछ नहीं सर, वो मम्मी से बात। जवाब तो कुशल ने दिया था, कुशल अग्रवाल क्या जवाब दिया तुमने? सर किसका? सर मैं तो और कुछ ऊपर वाली क्वेश्चन, हाँ मेरे को याद आ गया, तो कुछ से बातें करता है। सर आपको क्या सुना था? सुन, समझ नहीं आया मेरे को, कंटिन्यूअली शुरू करें नहीं समझ आया है ना कंटिन्यू? नहीं नहीं, मैंने तो सर कलर बोला था कि चिट्टे वाले। क्या? व्हाइट कलर बोला था सर मैंने, व्हाइट चिट्टे वाले, चिट्टे वाले। अच्छा, खुशल गर्ग, नोप, निष्ठा करेक्ट, नितिश वर्मा करेक्ट, सिमर नाई, अब ऐसे थोड़ी चलेगा सिमर। कैसे कि मैंने सीरीज में पढ़ा ही नहीं। ठीक है, वैसे आंसर अब मुस्कान करेक्ट,
दीप्ति सिमरन गौरी मिलन अभिषेक ऑल करेक्ट सर. अगर हमें एक बल्ब का पता लग गया कि उसमें पार है वो ज्यादा आ रही है तो हमें दूसरे की भी करनी पड़ेगी ना कैलकुलेट. नहीं 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 इस क्वेश्चन के लिए हाँ ना ना हमें पार कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए. यू नो दैट. नो सर वैसे वी सेम है तो फिर हाँ ठीक है समझ आ गए. हाँ ठीक है सर समझ आ गए. कुशल अग्रवाल ना कंचन ना ऐसा लगा सर आप जैसे वो नहीं बोल रहे कंचना. नहीं अर्शिया ठीक है. गुनवीन नहीं अनाहित नहीं अग्रवाल ठीक है. सर अगर वोल्टेज रेटिंग अलग अलग दे रखी हो दोनों की तो फिर तो पूरा करना पड़ेगा ना. जी नो कशिश करेक्ट. नूर करेक्ट कृष्ण करेक्ट प्रबल करेक्ट. चलो लेट्स सी अनुप्रीत करेक्ट निम्रत करेक्ट दीक्षा करेक्ट. बहुत ही बढ़िया मैक्सिम जनता का सही है. खुशी सबको ठीक है. वैसे ऑप्शन नहीं तुम लोग ऑप्शन का नंबर भेजा करो. ओके तो इसको एनालाइज करते हैं अभी भाविका. हाँ ठीक है मेरे पास दो बल्ब्स हैं दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं. ये है 2.5 वॉट 110 वोल्ट ये है 100 वॉट 110 वोल्ट और टोटल जो पावर सप्लाई है वो कितनी है 220 की है 220 वोल्ट की इधर अपने को सप्लाई है. क्योंकि 220 वोल्ट है दो बल्ब्स हैं दोनों सीरीज में लगे हैं क्या दोनों में इक्वल वोल्टेज बढ़ जाएगी 110 110 हाँ कि ना. हेलो हेलो सर बटेगी या नहीं बटेगी. क्या हो गया क्या हुआ क्यों इक्वल को बटेगी. हाँ तो फिर बोलो ना नहीं बटेगी. फिर आप ऐसे इतने कॉन्फिडेंस से पूछते हो कि हमको लगता है हम ही गलत सोच रहे हैं. अच्छा ठीक है मतलब इतनी कॉन्फिडेंटली ना पूछा करो. क्वेश्चन क्या करो स्टेटमेंट दिया करो इसके. अच्छा ठीक है तो मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज करता हूँ. 220 दे रखा है दो बल्ब दे रखे हैं तो क्या ये वोल्टेज दोनों में इक्वली बटेगी. ठीक है दोनों इक्वली नहीं बटेगी. क्यों नहीं बटेगी कैसे पता लगा हमें. क्योंकि पावर रेटिंग अलग है उससे क्या होगा उसे रेजिस्टेंस से अलग आएंगे. करेक्ट क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस अलग है. आर वन है ये आर टू है. आर वन और आर टू जो है वो रेजिस्टेंस क्योंकि अलग अलग है अगर सेम होती तो क्या दोनों में वोल्टेज सेम बटती. यस सर. लेकिन ये दोनों अलग है तो दोनों में वोल्टेज जो सेम नहीं बटेगी. दोनों में करंट सेम होगा. यस यस सीरीज में लगे तो वोल्टेज जो एक्चुअली खपत होगी V1 इसमें और इसमें V2 वो डिपेंड करेगा आई तो सेम है आर पे डिपेंड करेगा. हाँ के ना. यस एंड आर जो रेटिंग है वो कैसे ना अपना आर जो रेजिस्टेंस है वो हम कैसे निकालते हैं रेटिंग से. वी स्क्वायर बाय पी रेटिंग दोनों का वी सेम है. Yes, तो हम भी तो सेम है तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं R is inversely proportional to P. कौन सी रेटिंग ज्यादा है P1 या P2? P1.
P2. P2. P1 is less than P2, तो हम बोल सकते हैं R2, R1 is greater than R2. यहाँ तक कोई दुख तकलीफ? No sir. तो अगर R1 ज्यादा है R2 से, तो हम बोल सकते हैं कि V1 will be greater than V2. Yes sir. Yes. अगर दोनों सेम होते तो दोनों में 110 110 होती. Yes. अब एक में ज्यादा है, मतलब एक में 110 से ज्यादा होगी, दूसरे में 110 से कम होगी. कम. और किसी बल्ब को अगर 110 से ज्यादा मिली तो वो फिर से जाएगा. तो कौन सा वाला उड़ेगा? 2.5 वाला. ठीक है, therefore V1 will be greater than, तो लिख लियो V/2, that is V1 will be greater than 110, therefore 2.5 वाला फ्यूज हो जाएगा. तो हमें यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी. नहीं है. सर बोलो. सर अगर हमें यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दी होती कि R1 से R2 की तरफ जा रहा है, तो भी हम सीधे तूने वही बात कर दी जो पहले कंचन ने पूछी है. ओए यार तुम लोग, ऐसा नहीं होता भाई कि जो पहले आएगा उसकी मर्जी है. चुंगी नहीं है और उधर सरकारी अफसर नहीं बैठे. सर ऐसी फीलिंग आएगी सर अगर हम बैटरी लगाएंगे, बैटरी जैसे ही R1 के पास जाएगी तो उसके पास पोटेंशियल 220 की तो होगी, तो वहीं पे फ्यूज कर देगी, आगे करंट ही नहीं फ्लो करेगा. सर फनी कुछ. गलत बोला सर हिसाब से. हाँ, बता रहो. इसके हिसाब से, वर्मा जी के हिसाब से, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, वन मैन आर्मी. नहीं सर ये तो नहीं. जो इधर से करंट लेके भागा, इधर से निकला, इसको उड़ाया, फिर आगे तो रास्ता ही तोड़ दिया उसने, रास्ता फिर आगे जा ही नहीं पाया. ऐसी मेरे कहने का तो ये मतलब है सर्किट ही टूट जाएगा बीच में से, जब वो फ्यूज कर जाएगा तो आगे करंट ही फ्लो कर जाएगा. अरे अरे ऐसा नहीं है, वो पूरा सर्किट. अरे यार फिर वही बात, देयर आर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारे इकट्ठे नहीं फ्लो करते गुरु. हां जी सर. होगा ऐसा ही, स्विच ऑन करते ही उड़ जाएगा वो, क्योंकि नैनो सेकेंड्स में ही जो सारे इलेक्ट्रॉन सारी वायर में घूमे एकदम से. अरे सारी वायर में घूमेंगे नहीं घूमेंगे, हाँ तो फिर घूमते ही फ्यूज कर देंगे, क्योंकि उधर करंट ना उधर वोल्टेज अपना क्या हो गया, ज्यादा हो गई बस. ऐसा थोड़ी है, मतलब एक साइड में पहले चलेंगे, दूसरे वाले बैठे हैं वेट कर रहे हैं कि हाँ पहले वाला पहुंचेगा. मतलब वो कौन सी गेम होती है वो, एक एथलीट भागता है वो डंडा सा लेके वो दूसरे को देता है, रिले रेस. रिले रेस. ओ वर्मा ठीक है सर. ठीक है सर, मुझे तो अब तक यही लगता था कि एक दूसरे को धक्का मारेगा वो अगले वाले को, फिर ऐसे ऐसे चीज चलेगी. यार हद होगी, करवाया भी है ये क्लास में जब हमने वो किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यस पास वाले भी एकदम अपना, तब मैंने स्पेशली पूछा भी था ट्यूब लगी है उधर के ऐसे क्या होगा इधर. सर आपने ये कहा था ना कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, सारे जाएंगे, आपस में एनर्जी एक्सचेंज करेंगे. आपस में एनर्जी नहीं, पूरी वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है. यस ठीक है, तो ऐसा नहीं है कोलिजंस के कारण नहीं होता ये, कि एक ने धक्का मारा दूसरे को पर दूसरे को मतलब जा गई उसको, फिर दूसरा okay. चला. ऐसे काइनेटिक एनर्जी इज नॉट गेटिंग ट्रांसफर्ड ड्यू टू कोलिजंस, नो, दे आर मूविंग, दे आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर. हां के ना. यस और वो सारी वायर में है. ठीक है सर, क्लियर हो गया. तुम लोग यार मेरे को कभी अटैक दो. चलो ठीक है, अच्छी बात है, वो चमक गया ना बिल्कुल अच्छे से. यस सर, मुझे एक और डाउट भी था वो भी क्लियर हो गया इसके साथ. अरे वाह क्या बात है. ठीक है,
किधर क्वेश्चन था यार, सवाल देर आर इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होने नहीं सर, हो गया बस दो मिनट। करेक्ट सिमर। अरे कहाँ वो सालिया, कौन से चैप्टर में ले गए? करेक्ट मिलन, अर्शिया, निष्ठा, अभिषेक। वैसे सर ये वैल्यू आप जस्टिफाई भी कर दोगे एंड में, क्या ये क्यों आ रही है? मतलब सिर्फ मैं ऐसे कुछ बोलूंगी तो फिर पता लग जाएगा कि जितनी हीट इवॉल्व होगी वो सिर्फ उतने ही टेम्परेचर को राइज कर पाएगी, मतलब इतनी कम हीट इवॉल्व होगी। हाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना एक्चुअली, टेम्परेचर राइज कितना होगा किस पे डिपेंड करता है, मास पे, हम कितना पानी हीट कर रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, कम पानी लेंगे तो ज्यादा। ठीक है ओके, मैं समझ गई। 42 किलो ले रखा है। हाँ इतना कहाँ से। ठीक है ओके। प्रभ नूर, गुरकर्मन, अनाहित, करेक्ट। सिमरन, पवन, करेक्ट है, सही है सबका। बढ़िया। दीप्ति, करेक्ट। गौरी, करेक्ट। कशिश,
करेक्ट प्रबल करेक्ट सर अभी रुक जाना अब हो जाएगा थोड़ा टाइम अच्छा चलो लास्ट मिनट कहाँ तक बताया था मैंने प्रबल खुशी अनुप्रीत करेक्ट है जागृति करेक्ट अभी अग्रवाल हो गया Yes, sir. ठीक है मुस्कान अग्रवाल ठीक है चलो इसमें फंडा क्या लगेगा पहले तो पावर को एनर्जी अपॉन टाइम के इक्वल है उसके बाद उसको इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने वहां किया था क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी राइट राइट जो रेजिस्टेंस में जो हीट एनर्जी निकल रही है वो किस काम ले रहे हैं पानी को गर्म करने ठीक है वो जो वो होती है ना हीटिंग कॉइल जो बाल्टी में डाल देते हैं या गीजर के अंदर जो कॉइल लगी होती है वो इसी प्रिंसिपल मतलब सेम ही है उसी तरह का क्वेश्चन है ठीक है तो उसमें एक रेजिस्टेंस कॉइल लगी होती है जिसको जैसे वो बाल्टी में वो पानी रॉड डालते हैं हीटिंग रॉड तो वो डालते हैं वो पानी को गर्म कर देती है ठीक है सेम सेम चीज है तो ये एक मिनट में है ना तो जितना टाइम उसको आधा घंटा बाद 15 मिनट रखेंगे तो ज्यादा गर्म हो जाएगा एक मिनट रखेंगे तो थोड़ा गर्म होगा एक डिग्री राइज हो रहा है तो लेट्स सी कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एनर्जी या हीट डिसिपेशन Heat dissipated is equal to heat absorbed by pani by resistor is equal to heat absorbed by water. Okay. Therefore, I square RT either formula lagega is equal to heat absorbed by water will be what? MC delta theta delta T I दे रखा है हमें 7 square into resistance हमें दे रखी है 60 time हमें दे रखा है per minute मतलब इसको किसमें convert करेंगे seconds में mass हमें दे रखा है 42 C की value हमें पानी की पता है yes sir 4200 अगर वो किलोग्राम बोले हाँ C की value होती है 1 calorie per gram हाँ के ना yes sir एक calorie में yes, कितने joule 4.2 राइट तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 4200 इनटू डेल्टा थीटा हमें फाइंड करना है तो यहाँ से डेल्टा थीटा जो है वो सॉल्व करके कितना आ जाएगा Clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. ठीक है जी तो क्लियर है बाबर टॉपिक यस सर यस
बढ़िया, तो आप लोग इसका होमवर्क कर लेना, एक्सरसाइज 0 एंड 1 यही टॉपिक है ना, बस थोड़ा सा सॉल्व करने वाला अभी तक इस चैप्टर में, इस चैप्टर में रेजिस्टेंस भी थी वैसे तो लेकिन मतलब वो निकल गई मजे में। ठीक है जी, तो इसको एक्सरसाइज 0 एंड 1 का पार्ट कौन सा है, ये आए है ना, बट आई इज योर होमवर्क राइट, हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। सर जो हम छोटे होते कहते थे, मतलब हमें लिखवाते होते थे कि अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे, अगर एक एप्लायंस वर्क करना बंद कर देगा तो बाकी भी नहीं चलेंगे, वो इसलिए वो सर्किट टूट जाता है ना, वो अगर एक जैसे वो लड़ी नहीं होती, लड़ी हाँ जी सर, दिवाली वाली हाँ जी, ठीक है, तो अगर वो लड़ी में कुछ कई बार ना देसी लड़ियां मतलब सीरीज में लगा देते हैं बल्ब, वो कुछ जैसे कुछ सेट 5-6 सीरीज में लगा रहे, अगले 5-6 उस उन जैसे सपोज 5 सीरीज में लगा रखे हैं, फिर अगले 5 उन 5 के पैरेलल में लगा रखे हैं, ऐसे होता है, तो क्या होता है कि अगर एक फ्यूज हो जाए ना तो 5 फ्यूज हो जाते हैं साथ में, वो चलने बंद हो जाते हैं, मतलब वो एक्चुअली फ्यूज तो नहीं हुए होते ना, नहीं फ्यूज होता है वो अंदर, फिलामेंट फूट जाता है उसका या कुछ हो जाता है, कुछ भी गड़बड़ सब इकट्ठा ही फूट जाएगा, नहीं बल्ब फूक सकता है, मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम है, ओके सर, है ना, तो वो उसकी सीरीज में अगर वो फूकेगा मतलब वहां पे डिस्कनेक्शन हो गया सर्किट का, यस सर, तो बाकी सर्किट अपने आप ही बंद हो गया, मतलब वो तो ओपन हो गया सर्किट, यस सर, तो वही लिखाते थे बस। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। Thank you.